करी जिसने असे तूती तेरी वो संकट में तेरा तमाम करी जिसने असे करी जिसने स्तुति तेरी उसके संकट मिटे तमाम। प्रहलाद भगत का जिक्र करें लोगों पहली बात में, जिसने राम का नाम रटना नहीं छोड़ा, हिरणाकुश जैसा पापी उसका पिता होया और किसी की नहीं मानी उसने, अपने बेटे को मरवाने के लिए पहाड़ से गिरवाया, तत्देखम की गोली भरवाई, लेकिन परमात्मा ने विष्णु भगवान ने उसको दर्शन दिए, नहीं तो हिरणाकुश को मारने वाला कोई नहीं था इस दुनिया में, न दिन में मरे न रात में, न धरती में मिला, न आकाश में, न घर के बाहर, न घर के अंदर, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पशु से न पक्षी से, न किसी मनुष्य से हिरणाकुश का भी नाश होया। विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धार के और धड़ इंसान का और सिर शेर का लगाया और नखुन्नों से उसकी छाती पाड़ी, गोटा में लेकर उसको मारया। कैसे नंबर एक पे क्या लिखा क्या बताया, नरसिंह रूप धारा था, नरसिंह रूप धारा यमाला बन मैं जा तेरी, सके कष्ट में तेरा तमाम कोली वो पर्वत पर के डारया था, कन्ना के मां भड़क गई जब नरसिंह रूप धारया था, ऐसे उसका विनाश होया अंत होया। जिस समय महाभारत में उस द्रौपदी को वो दुशासन दुर्योधन के कहने से दरबार में ले जाने को आया, ये हमारे उस्ताद जी हरियाणा केसरी मटका वादक अशोक निडाना जी, ये मेरा शिलोक भी कदे कदे दिया करे नाम काम के धंधे ने मन देना पड़ा बोल के चलो। जिस समय उस द्रौपदी को दरबार में ले जाया गया चीर उतारने के लिए,
विषम पितामह कृपाचार्य थामा दुर्योधन विषम पितामह तक वहां बैठे सब का अरदास करी आके दादा मेरी लाज बचा लियो। लेकिन उसका भी किसी ने साथ नहीं दिया। कैसे परमात्मा प्रकट हुए, कैसे चीर बढ़िया। नंबर दो पे क्या बताया, क्या लिखा, कैसी मुसीबत किसे की नहीं होनी चाहिए। नंबर तीन पे क्या गजब का फितरा बनाया, क्या लिखा, पिताजी 100 रुपए भारत केसरी मटका वादक उस्ताद मुकेश खड़किया के नाम से 100 रुपए पार्टी के नाम। हमारे अंकल जी विक्की मल्हान 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। चौथी बात में कवि ने जिक्र करा भाई कर्म अपने अपने लड़ेंगे। नंबर चार पे क्या बताया, क्या लिखा, न्यारा न्यारा
खाना जी न्यारा न्यारा खाना भगती